दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल उत्कर्ष त्रिवेदी को और दबा दें बेल का आइकन ऑटोमोबाइल्स टेक रिव्यूज़ मोटोब्लॉग से रिलेटेड मेरे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्कर्ष त्रिवेदी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का क्यू एंड ए सेशंस के एक और नए वीडियो में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों दबाना है सब्सक्राइब का बटन और बन जाना है चैनल का हिस्सा। तो दोस्तों आखिर वो वक्त आ गया है, दूसरा क्यू एंड ए सेशन बना रहा हूँ। सवाल आप लोगों के बहुत सारे थे और जवाब मैं दूंगा। तो दोस्तों कोरा में आपने पूछा था सवाल, यूट्यूब में पूछा सवाल को, सवाल 20-23 सवाल को सेलेक्ट करके ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। और ऐसा बात नहीं है कि जिनका सवाल है सिर्फ उन्हीं को आंसर मिलेगा दोस्तों, आप सभी को कुछ ना कुछ आइडिया, कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिल जाएगी इन सभी के आंसर से। आप सभी भी एक समय में ये सब की जानने की चाह रखते होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे देखते जाइए, मैं आप लोगों के बहुत ही सारे सवाल के जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है जो कि पूछा है डोटू तमिल से, विच वन इज द बेटर टू बाय इकोनॉमिक एंड परफॉर्मेंस वाइज, RS 350 और एवेंजर क्रूज 220 मॉडल। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इकोनॉमिक और परफॉर्मेंस वाइज दोनों चाहते हैं तो रॉयल इनफील्ड में तो वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं जिसमें कि आपको इकोनॉमिक में मिल जाएगी। परफॉर्मेंस आपको बहुत ही सही मिल जाएगी रॉयल इनफील्ड में, लेकिन इकोनॉमिक नहीं मिल पाएगी क्योंकि दोस्तों रॉयल इनफील्ड का टैगलाइन जैसे बहुत जगह पर बोला जाता है, आपने हाथी पाला है तो उसे हाथी जैसी मेंटेनेंस भी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप आँख बंद करके एवेंजर 220 2018 वाले मॉडल पे चल जाए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। माइलेज भी अच्छा रहेगा, सर्विस कॉस्ट भी उतना नहीं आएगा और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा यार, 220 सीसी का बाइक है, क्रूज़र मॉडल। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल पूछा है योगेश राव जी ने, वाई डू रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल्स विथ न्यू इंजन हैव हाई रीसेल वैल्यू। देखिए योगेश राव भाई, मैं आपको बता दूं कि रॉयल इनफील्ड का क्यों नए मोटरसाइकिल्स का हाई रीसेल वैल्यू इंजन का क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों रॉयल इनफील्ड जो पहले बुलेट बनाती थी वो बहुत ही एकदम कॉम्प्लिकेटेड टाइप की होती थी, जिसकी गेयर ब्रेक समझ में नहीं आती थी, बहुत ही कम लोग लेते थे उसे। तो इस सारे बात को मद्देनज़र रखते हुए हाँ, और वो पुराने बुलेट्स बहुत ही ज़्यादा एवरेज बहुत ही कम देती थी, बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल पीती थी, तेल पीती थी, मतलब मेंटेनेंस हाई रहता था, बहुत ही अजीब टाइप की बाइक थी। तो फिर जब रॉयल इनफील्ड दोस्तों नीचे चल गई तो कुछ उन्होंने दिमाग लगाया कि यार हमारा बाइक चलने के लिए हमें क्या करना होगा। तो उन्होंने गाड़ी का 24 मॉडल तो वही रखा, लेकिन इंजन में थोड़ा बदलाव कर दिया, हल्का फुल्का स्पोर्टी भी डाल दिया दोस्तों। तो इस कारण से रॉयल इनफील्ड बाइक अब काफ़ी अच्छी होते जा रही है। बुलेट यार बहुत लोग लेते, हर टाइप के लोग लेते, पहले बाइक था कि सिर्फ उसे चलाने वाले लोग ही ले पाएंगे क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही भारी होती थी। तो आज के टाइम में रॉयल इनफील्ड बुलेट काफ़ी हल्की भी आ रही है पुराने दिनों के मुताबिक। तो यही सब कुछ कारण है दोस्तों जिसके कारण आज के टाइम में रॉयल इनफील्ड का रीसेल वैल्यू हाई है। और वैसे भी रॉयल इनफील्ड कोई जो लेता है वो तो सेल बहुत ही कम करता है, मैंने बहुत ही कम देखा है रॉयल इनफील्ड सेल होते हुए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ जो कि पूछा है यूट्यूब पे चंद्रकांत भाई ने। चंद्रकांत भाई ने सबसे पहला सवाल किया था, मेरे बाइक का क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया भाई। ऐसा कोई बात नहीं यार चंद्रकांत भाई, आपका बाइक का क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में और मैं यहाँ भी देने के लिए तैयार हूँ। आप ऐसा टेंशन मत लीजिए, मैं सभी का आंसर देता हूँ, कोई को भी नहीं छोड़ता हूँ। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उससे ज़्यादा हो जो कि यूट्यूब में आप लिख के नहीं बता पा रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करूँगा। तो चंद्रकांत जी मैं यहाँ पर आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ जो कि चंद्रकांत जी का सवाल का जवाब है। यहाँ पर सवाल काफ़ी लंबा है भाई, 3 दिन पहले मेरे बाइक को चालू में धीमा करके न्यूट्रल किया तो न्यूट्रल गियर के नीचे ही रह गया, फिर ना गियर आगे ना पीछे। सडनली मैंने मैकेनिक को दिखाया तो उसने बोला फोर्थ करके इंजन में आता है जो टूट गया है। फिर उसने इंजन खोलने का बोला, अंदर से एक स्प्रिंग टूटी हुई मिली। तो मेरे बाइक में या उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? नहीं चंद्रकांत भाई, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है इंजन में। और जहाँ तक फोर्थ की बात है तो आपने पूछा था शायद, मुझे याद है कि वो नहीं मिल रही है बहुत सारे दुकानों में। तो कोशिश कीजिए चंद्रकांत जी कि 2-4 सर्विस सेंटर आप घूमें, वहाँ मिल जाएगा उम्मीद करता हूँ, और नहीं मिलेगा तो वो लोग वहाँ से ऑर्डर पर मंगवा देते हैं। होंडा काफ़ी रेप्यूटेड ब्रांड है यार, होंडा के कस्टमर सेटिस्फैक्शन अच्छी रहती है होंडा की, इसीलिए वो लोग ऑर्डर पर मंगवा देते हैं, मैंने भी ट्राई किया एक दो बार। तो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। ये पूछा है वैभव मलिक जी ने,
वाई डू पीपल्स इन इंडिया प्रेफर टू बाई स्कूटर्स लाइक एक्टिवा और जुपिटर ओवर मैनी कम्यूटेटर्स मोटरसाइकिल्स? क्यों भारत के लोग स्कूटर ही प्रेफर करते हैं, मोटरसाइकिल क्यों नहीं करते हैं, एक्टिवा जुपिटर क्यों प्रेफर करते हैं? ऐसा सवाल है कुछ। तो साफ साफ मैं बता दूँ, एक बात सबको बुरा लगे या अच्छा लगे, भारत के लोगों को गाड़ी चलाने उतने अच्छे से नहीं आता है। साफ बात है, मेजॉरिटी लोगों को नहीं आता है उतने अच्छे से चलाने। यार बाइक क्यों नहीं प्रेफर करते? बाइक में इंजन क्लच गियर को पुश करना पड़ता है, हमेशा उसे सेट करके मिला के चलना पड़ता है, इसीलिए उन्हें अगर वो चला नहीं पाते तो बाइक हो जाती है ख़राब, फिर वो कोसते हैं कंपनी को, तो उन्हें इसलिए बाइक पसंद नहीं आती। स्कूटर में क्या यार, ऑटोमेटिक गियर ऑटोमेटिक क्लच है, सिर्फ एक्सीलरेटर लेना है, ब्रेक लेना है और साथ में बूट स्पेस मिल जाएगा, हैवी ट्रैफिक्स के लिए बहुत ही अच्छा है और आपको सामान रखने का फ़ायदा हो जाता है। तो इसी सब के कारण स्कूटर ज़्यादा लोग इंडिया के चॉइस करते हैं, बाइक नहीं चॉइस करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगले सवाल की ओर, जो कि है, डस द कैस्ट्रॉल एक्टिव 20W40 इंजन ऑयल रियली रिमेन ऑन पिस्टन आफ्टर टर्निंग ऑफ द इंजन? ये सवाल है निखिल साई का। तो निखिल साई भाई, मुझे लगता है अपने ऐड देख के आया हुआ है, वो जो एक्टिव पॉइंट का कैस्ट्रॉल का ऐड दिखाता था कि इंजन में चिपके रहे चाहे आपका गाड़ी ऑन रहे चाहे ऑफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। देखिए, जब तक आप गाड़ी चलाते हैं उसका ऑयल पंप वर्क करता है, ऑयल को सब पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे इंजनों के अंदर, तो वो ऑयल पूरा इंजन के अंदर, जैसे आप गाड़ी बंद कर देते हैं जी धीरे धीरे, जहाँ तक आपने पूछा कि पिस्टन में ऑयल रहता है यार, ग्रेट कोई भी रहे उससे मतलब नहीं, पिस्टन में रहता है कि नहीं, पिस्टन में रहेगा थोड़ा देर लुब्रिकेटेड, लेकिन जब तक उसमें विस्कोसिटी उसका काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर नया ऑयल है तो वो पिस्टन में रहेगा, लेकिन धीरे धीरे विस्कोसिटी कम होते जाएगा तो वो पिस्टन से नीचे की ओर गिरते जाएगा। लेकिन रात में अगर सपोज आप बाइक को पार्क करते हैं तो सारा ऑयल नीचे गिर गया ही रहता है, क्योंकि क्यों आपको बोला जाता है कूल स्टार्ट करें, हमेशा सुबह चौक में किक से स्टार्ट करें, क्योंकि दोस्तों चौक में स्टार्ट करने इसीलिए बोला जाता है ज़्यादा फ्यूल जाए सिलेंडर में, कंबस्टन तुरंत हो जाए और वो जब पिस्टन काम करे तो तुरंत ऑयल ऊपर चढ़ जाए, ताकि आपको तुरंत चलाएं तो रिंग पिस्टन सिलेंडर को कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए बोला जाता है दोस्तों। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये पूछा है अरुण जय कुमार जी ने, हाउ कैन वन एज सर्टेन जेन्युइनिटी ऑफ शेल कार इंजन ऑयल परचेज ऑनलाइन? तो ये पूछना चाह रहे हैं कि कैसे कोई पता लगा सकता है कि जो इंजन ऑयल जैसे इन्होंने शेल का खरीदा है ऑनलाइन तो वो ओरिजिनल है कि नहीं? तो देखिए भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी इंजन ऑयल आप खरीदते तो उसके पीछे QR कोड दिया रहता है, जिसे स्कैन करके आप पता लगा सकते हैं अपने फ़ोन से या फिर QR स्कैनर से कि वो जेन्युइन है कि नहीं, या फिर जिसमें QR कोड नहीं दिया रहता है तो उसमें पीछे SMS करने के लिए बोला रहता है कि इस कोड पे SMS करें इस नंबर पे अपने इंजन ऑयल का कोड को और पता करें वो जेन्युइन है कि नहीं। तो इसके इसके चलते आपको पता चल जाएगा इन सभी के चलते कि आपका इंजन ऑयल जेन्युइन है कि नहीं, आप पता कर सकते बहुत ही आसानी घर बैठे हुए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। हाँ, तो मानव जी का सवाल है दोस्तों, व्हाट आर सम रेकमेंडेड बाइक्स टू बाय इन 125cc विद गुड माइलेज? तो मानो जी आपको 125cc में बहुत ही अच्छा माइलेजदार बाइक चाहिए तो आप जा सकते हैं हीरो सुपर स्प्लेंडर की तरफ, या फिर आप जा सकते हैं होंडा की सीबी शाइन की तरफ, या फिर होंडा की सीबी शाइन SP की तरफ, और एक दो बाइक बता दो तो बजाज डिस्कवर की तरफ। तो लेकिन दोस्तों होंडा और हीरो में जाइए, आपको रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी मिलेगी और परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी ये सब भी काफ़ी अच्छी मिलेगी, तो इन सभी बाइकों में आप जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा है नागेल जी ने, इट इज़ ओके टू राइड अ पल्सर 200 RS इन द रेन? क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो ये पूछ रहे क्या RS 200 को बारिश के मौसम में चलाना सेफ है? क्वेश्चन मार्क लगाया। आगे का सवाल बता रहा हूँ, आई हैव नोटिस इस साइलेंसर टू बी अ बिट रेज अप एंड वल्नरेबल टू वाटर गोइंग इन इट। इन्होंने नोटिस किया है कि उनका साइलेंसर थोड़ा ऊपर, इन्हें शक लगता है कि कहीं उसमें से तो पानी नहीं जा रहा है। तो भाई आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए यार, पानी कैसे चल जाएगा, और पानी जाएगा भी तो साइलेंसर उसका नीचे रहता है, पानी बहुत ही आराम से सूख भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, स्पोर्ट्स कंपनी ने अपना बाइक बनाया तो 10 तरीका 20 तरीका से उन्होंने अपना दिमाग लगा के बनाया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यार, आप बहुत ही मस्ती से बाइक चलाएं, बहुत ही आराम से उसे यूज़ करें,
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, और प्रॉब्लम होता है तो है ना बजाज, क्यों टेंशन ले रहे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि पूछा है विच इज़ द बेस्ट बिटवीन SS125 एंड Activa 125। तो देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूँ कि बेस्ट कुछ भी नहीं होता है किसी भी के लिए। जिसको अपनी नीड्स पूरी करनी है, आपकी नीड्स के हिसाब से जो आपकी नीड्स फुलफिल कर दे रहा है जो गाड़ी, वो गाड़ी आप सभी लोगों के लिए बेस्ट है। फिर भी मैं बता देता हूँ इसकी, तो Activa 125 और SS125, तो कुछ कुछ चीज़ें बताऊँगा दोस्तों जिससे आप अंदाज़ा या फिर अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है। तो प्राइस के हिसाब से अगर जाते हैं तो SS125 वो सस्ता है Activa 125 से, ठीक है। परफॉर्मेंस में जाते हैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से तो आपको मिल जाएगा Activa 125 आगे, ठीक है। माइलेज के हिसाब से जाते हैं तो आपको मिल जाएगा SS125 आगे। लुक्स के हिसाब से जाते हैं तो SS125 नया वाला का लुक काफ़ी अच्छा है यार। कस्टमाइजेशन के अंदर जाते हैं तो आपको मिल जाएगा SS125 आगे। रीसेल वैल्यू में जाते हैं तो आपको मिल जाएगा Activa 125 आगे। सस्टेनेबिलिटी में जाते हैं तो आपको मिल जाएगा SS125 आगे। मेंटेनेंस में भी जाते हैं तो आपको मिल जाएगा SS125 आगे, मतलब कम मेंटेनेंस। ग्राउंड क्लियरेंस में जाते हैं तो आपको मिल जाएगा SS125 आगे। टायर साइज में जाते हैं तो आपको मिल जाएगा Activa 125 आगे। तो ये सब कुछ कारण है दोस्तों जिसके कारण आप अनुमान लगा सकते हैं तो कि आपको कौन से गाड़ी में जाना चाहिए। वैसे तो जो गाड़ी आपके नीड्स को फुलफिल करते वो गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि पूछा है रमेश शाह जी ने, कैन ऑलवेज यूजिंग फुल थ्रॉटल ऑन अ मोटरसाइकिल डैमेज द इंजन। ये पूछ रहे कि क्या मोटरसाइकिल हमेशा फुल एक्सीलेटर पे चलाने से वो इंजन को डैमेज कर सकता है क्या। तो मैं बता दूं रमेश भाई कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं यार। देखिए आप फुल थ्रॉटल में गाड़ी चलाते हैं तो इंजन आपका गर्म होता है, और जितना ज़्यादा गर्म हो जाएगा दोस्तों, अगर उसमें कोई भी कूलिंग टेक्निक नहीं, सपोज यार ऑयल कूल्ड, एयर कूल्ड या फिर लिक्विड कूल्ड तक भी है, तो वो एक लिमिट ही तक इंजन को ठंडा कर पाएगा। आपने इतना गर्म कर दिया यार फुल थ्रॉटल में, तो सबसे ज़्यादा कंबस्टन होता है, तो आपने पूरा गर्म कर दिया अगर इंजन को, तो वो लिक्विड कूलिंग भी कहाँ से उसे ठंडा कर पाएगा। तो होता क्या, गर्म होने के बाद मैकेनिकल पार्ट्स जो रहते हैं, जब सपोज पिस्टन रिंग्स, पिस्टन या फिर सिलेंडर, तो वो जैसे प्रेशर हार्ड रहते होंगे आपके चिपके हुए, तो एक्सपैंड करने लगेंगे, या फिर दोस्तों पिस्टन रिंग रहते हैं तो वो मुड़ सकते हैं, टूट फूट सकते हैं। तो आपको जाके इंजन लाइफ क्यों बोला जाता है कि कम मिलेगा ज़्यादा स्पीड पर चलेंगे। तो यही सब कुछ रीजन्स है दोस्तों जिसके कारण इंजन लाइफ आपको बहुत ही कम मिलने लगेगा। तो इंजन लाइफ कम मिलेगा तो दोस्तों पार्ट्स भी बर्बाद होंगे, तो इसीलिए कहा जाता है कि फुल थ्रॉटल पे ड्राइव ना ही करें तो बेहतर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल है, विच इज़ बेस्ट, अ बाइक और अ स्कूटी। तो दोस्तों इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ यार एक डिटेल्ड वीडियो ही बना दूँ यूट्यूब में, क्योंकि बहुत ही लोग का सवाल होता है कि बाइक बेस्ट है या फिर स्कूटी बेस्ट है। फिर भी मैं बता देता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में बताया कि आपकी नीड्स को जो फुलफिल कर दे, ठीक है, वो बेस्ट है आपके लिए, चाहे वो कुछ भी हो। और वैसे एक नज़र से देखें तो आपके लिए कुछ भी बेस्ट नहीं है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, स्कूटी आप तभी ले जब आपको, आप यार बाइक चलाने गियर क्लच, इंजन क्लच गियर में प्रॉब्लम होता है, तब आप स्कूटी ले ले। आप एजेड है ले ले यार स्कूटी, ट्रैफिक आपके एरिया में बहुत ही ज़्यादा है, आप स्कूटी ले सकते हैं। आपको सामान रखने के लिए बूट स्पेस चाहिए, आपका एक छोटा सा फैमिली है, आप स्कूटी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बाइक आ जाती है दोस्तों थोड़ा सा एग्रेसिव लोगों के लिए, ज़्यादा एग्रेसिव के लिए नहीं, थोड़ा सा एग्रेसिव लोगों के लिए। बाइक में आप फास्ट चल सकते हैं यार, ब्रेकिंग अच्छा हो सकता है, ग्रिपिंग अच्छा हो सकता है, थोड़ा स्टाइलिश ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, थोड़ा अच्छा लगने लगता है बाइक में, परफॉर्मेंस हो जाता है, फिर ये सब इंजन कैपेसिटी ज़्यादा मिल जाती है। तो इन सब रीज़न लॉन्ग ड्राइव आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बाइक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन सब कुछ रीज़न है दोस्तों, आप खुद ही समझ ले कि आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा। अगर मेरे लिए रहता तो मैं बाइक को चुनता। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इज़ इट पॉसिबल टू चेंज माई स्प्लेंडर प्लस ट्यूब टायर टू अ ट्यूबलेस टायर। ये सवाल पूछा है चंदन बोरा जी ने।
तो चंदन भाई मैं बता दूं, जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है अपने ट्यूब टायर को ट्यूबलेस टायर में बदलने के लिए। आपको करना सिर्फ यही है कि अगर आपकी गाड़ी में स्पोक व्हील लगा हुआ है तो उसे एलॉय व्हील्स में चेंज कर दे, और आप अपने ट्यूब टाइप टायर को ट्यूबलेस टायर से रिप्लेस कर ले। और दोस्तों ये चीज़ मैं एक वार्निंग आप सभी को दे रहा हूँ कि यार मार्केट में बहुत सारे मैकेनिक है जो कि ट्यूब टाइप टायर को ही ट्यूबलेस टाइप टायर बना लेते हैं, तो उन सभी मैकेनिक से एकदम बच के रहे दोस्तों। क्योंकि करते क्या यार, कुछ सॉल्वेंट गम ये सब लगा के वो लोग को ट्यूबलेस टायर तो उसे बना देते हैं ट्यूब टाइप टायर्स को, लेकिन होता क्या है कि वो टायर जाके फट भी सकता है, बहुत ही गंदा रिजल्ट कर सकता है, उसके कारण आपकी जान भी जा सकती है, बहुत ही गंदा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो कभी भी ऐसा नहीं करें दोस्तों, ट्यूब टायर को ट्यूबलेस टायर बनाने का सोचिए, बहुत यार ट्यूबलेस टायर खरीद के उसमें लगवा ले, बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा है कृति जी ने, वाई इज़ द होंडा डियो 2006 मॉडल फास्टर एंड स्मूथर कंपेयर टू 2013 एक्टिवा, वॉट आर दर चेंजेस इन द इंजन बिटवीन द टू। ऐसा है क्या? 2006 मॉडल तो मैंने उस टाइम में तो गाड़ी भी नहीं चलाना शुरू किया था। 2006 मॉडल आप जैसा कि बोल रहे कि बहुत ज़्यादा स्मूथर और फास्टर है एक्टिवा की 2013 मॉडल से, तो देखिए कृति जी मैं आपको बता दूं कि एक्टिवा से हम डियो को कंपेयर नहीं कर सकते। एक्टिवा जो गाड़ी है वो बनी है आपकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए, तो हो सकता है उसका जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स हो सकता है, जैसे उसमें शॉकर कंफर्टेबल हो तो इंजन का पावर कम हो, तो टॉर्क ज़्यादा हो तो आगे का शॉकर थोड़ा हार्ड हो, तो ये सब कुछ कुछ हो सकता है, बहुत कुछ रहता है। यार पुराना डियो मैंने देखा है जो कुछ ऐसे बॉडी में आता था, याद है मुझे, नीचे हेडलाइट लगी रहती थी, सॉफ्ट था गाड़ी लेकिन उस मॉडल से लाइटर और फास्टर 2013 मॉडल, ये मैं समझ नहीं सकता हूँ। आप मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, कुछ रीजंस बताइए, कुछ पॉइंट्स बताइए, मैं समझ जाऊँगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल पूछा है मानो जी ने, ये है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ 110cc ओवर 125cc। तो देखिए मानो जी मैं आपको बता दूँ, एडवांटेजेस तो यार बहुत ही कम रहेंगे 110cc के 125 से अगर कंपेयर किया जाए तो। हाँ कुछ कुछ एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं, आपको गाड़ी हल्का मिलेगा, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिल सकता है, माइलेज ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा, लेकिन डिसएडवांटेजेस आपके बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाएगा दोस्तों। 100cc की गाड़ी में आपको ये भी मिल जाएगा, आपका सीट लंबा मिल जाएगा क्योंकि आपका इंजन ये सब छोटा होगा तो सीट लंबा देते 100 और 110cc के गाड़ी में, तो ये सब कुछ एडवांटेजेस मिल जाएगी दोस्तों। ऐसा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आता यार, 15cc में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता, सब बराबर ही रहता है। तो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ जो कि पूछा ब्लॉगर नाम है, ब्लॉगर नाम से रिक्वेस्ट आया क्वेश्चन के लिए, कैन आई यूज़ स्कूटी टायर बेल्ट ऑन माई बाइक अपाची ट्यूबलेस टायर, इज देयर एनी डिसएडवांटेजेस। कैसे यूज़ कर सकते हैं यार, स्कूटी का टायर बेल्ट, सपोज स्कूटी का टायर बल्ब रहता ही अलग है, वो ऐसे रहता है, उसका साइज़ भी छोटा होता है, वैसा नहीं है। अगर आप उसे TVS अपाची में यूज़ करेंगे, चलिए मानता हूँ कभी कुछ ना हो, लेकिन अगर जाके कभी कुछ हो गया, अगर वाल्व उड़ गया आपका तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट तो वहाँ पे टायर ब्लास्ट हो सकता है, तो ऐसा करने की यार कोशिश मत करें। 50 रुपये का तो वाल्व आता है, 50 रुपये के लिए क्या है ऐसा कुछ करना। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ जो कि पूछा है श्यांश चक्रवर्ती जी ने, वट कैन बी द रीज़न बिहाइंड मेजर माइलेज ड्रॉप आफ्टर इंजन रिबिल्ड। ये कहना चाहते हैं कि क्या रीज़न है अगर आपका इंजन खुलने के बाद माइलेज ड्रॉप होता है, इसके पीछे ऐसा क्या कारण है। तो मैं बता दूं आपको कि कारण सिर्फ यही है कि इंजन खुलने के बाद आपका अगर बोर का काम होता है, जिसे कि हम सिलेंडर भी बोलते हैं, तो बोर में होता है दोस्तों कि बोर को आपको एक तो बोर को आपका बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, बोर को बढ़ा दिया जाता है और पिस्टन उसमें बड़ा लगा दिया जाता है, रिंग बड़ा रहता है, तो गैप ये सब रिंग के ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, उस इंजन के हिसाब से वो ज़्यादा बढ़ जाता है। सपोज आपका 100cc का इंजन है तो वो आपको 110cc लाइक उसका स्पेस हो जाएगा, लेकिन काम वो उसका वाल्व ये सब इनलेट फ्यूल इनलेट है एग्जॉस्ट सिर्फ वो 100cc जैसा ही काम करेगा, तो उसमें हो क्या जाता है दोस्तों, आपका साइज़ बढ़ जाता है, जगह बढ़ जाता है, तो उसमें आपका एयर तो ठीक है कंप्रेशन में ज़्यादा टाइम लगने लगता है, इसलिए पावर भी कम हो जाता है और साइज़ बढ़ने के कारण आपका माइलेज भी कम हो जाता है। तो यही कुछ रीजन्स है दोस्तों जिससे माइलेज और पावर ड्रॉप कर जाता है इंजन रीबिल्ड के बाद। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि पूछा है निखिल साई भाई ने, वॉट आर द टूल्स रिक्वायर्ड टू चेंज द इंजन ऑयल फिल्टर ऑफ पैशन प्लस। इंजन ऑयल फिल्टर पैशन प्लस में
नहीं मैंने तो नहीं सुना है कि पैशन प्लस में दोस्तों इंजन ऑयल फिल्टर होता है। यार सवाल देख लीजिए आपका। चलिए इंजन ऑयल चेंज करने का मैं आपको टूल बता देता हूँ। इंजन ऑयल फिल्टर तो पैशन प्लस में रिप्लेसेबल नहीं होता है, नाना ना जी ना होता है। तो मैं टूल बता देता हूँ यार, नीचे ड्रेन बोल्ट में आपको 12 या 14 नंबर के पाना लग सकते हैं। 12 या 14 नंबर के पाना से ड्रेन बोल्ट खोल के सारा ऑयल को ड्रेन कर ले, साफ़ कर ले, लगा दे वापस, ऊपर से नया ऑयल डाल ले। ऑयल डालने का वीडियो नहीं देखा है तो कोई भी आई बटन में जाके कोई भी मेरे गाड़ी के सर्विसिंग वाले वीडियो देख सकते हैं आप, कैसे ऑयल ड्रेन करके ऑयल चेंज कर सकते हैं। जो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि पूछा है जीशान भाई ने। वॉट इज़ द एग्जैक्टली क्वांटिटी ऑफ इंजन ऑयल रिक्वायर्ड इन होंडा सी बी हॉर्नेट? होंडा सी बी हॉर्नेट में कितना इंजन ऑयल लगता है? तो जीशान भाई 110% श्योर हूँ 1 लीटर इंजन ऑयल लगता है होंडा सी बी हॉर्नेट में। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि पूछा है अर्नव नागवरे भाई ने। वाई डू ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर नॉट फिल रिकमेंडेड इंजन ऑयल इन बाइक और डेड फिल द करेक्ट वन? यार ऐसा तो नहीं है कि रिकमेंडेड इंजन ऑयल वो फिल नहीं करते, करते हैं, रिकमेंडेड इंजन ऑयल ही फ्यूल करते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने कभी ऐसा कोई भी सर्विस सेंटर में नहीं देखा है कि जितना इंजन ऑयल बाइक का रिकमेंडेड है या फिर वो क्वांटिटी में हो जाए या फिर वो ग्रेड में हो जाए, ऐसा कुछ वो लोग फिल नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ फिल नहीं कर रहे वो लोग, तो आप बिल्कुल जाके कंप्लेन कर सकते हैं। मैंने तो देखा है एकदम वही रिकमेंडेड चीज़ ही फिल करते हैं। ये सवाल पूछा है नवीन कुमार जी ने यूट्यूब से। तो नवीन कुमार जी ने पूछा भाई कार्बोरेटर क्लीनिंग की वीडियो, इनकी 2-3 पहले सवाल भी आ चुकी है, मैंने मुझे याद है आपका नाम नवीन कुमार जी। तो देखिए यार मैंने पहले भी बताया था आपके यूट्यूब का कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया और अभी भी बताते रहो कि कार्बोरेटर क्लीनिंग वीडियो मैं इसीलिए नहीं बनाता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि जब तक, देखिए अगर आपका कार्बोरेटर जब तक प्रॉब्लम करना शुरू नहीं करे, ऐसे मेरे पास 1-2 बाइक्स है जो मैंने 13 साल 15 साल तक देख रखे हैं, तो उसमें आज तक कार्बोरेटर का प्रॉब्लम आया ही नहीं है। तो आप क्यों इतना फोर्सफुली हो रहे हैं क्लीन करने के लिए कार्बोरेटर? आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है तो आप क्यों हो रहे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए यार। जब तक कार्बोरेटर प्रॉब्लम ना करे तब तक आप उसे क्लीन करें ही मत, क्योंकि दोस्तों होता क्या है वो कंपनी से सेट आती है, माइलेज यार अच्छी दे रही है, होता क्या है एक बार क्लीन कर देंगे उसका एयर फ्यूल मिक्सचर का रेशियो को आप चेंज कर देंगे तो फिर होता क्या माइलेज परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और उसे फिर उस लेवल में लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं सजेस्ट नहीं करता कार्बोरेटर क्लीन करने के लिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ, क्योंकि तो फिर से एक सवाल है चंद्रकांत जी का। तो इन्होंने बोला है कि और एक सवाल, मेरा बाइक होंडा ड्रीम युगा में, उसके लिए बेस्ट इंजन ऑयल होंडा का ही लेना चाहिए ना? अरे नहीं ऐसा कोई बात नहीं है चंद्रकांत जी, होंडा का ही ऑयल से कुछ नहीं होगा यार। आप ऑयल आपके होंडा ऐसा है कि एवरेज मौसम पूरा इंडिया में सोच के रखा है, उसके कारण उन्होंने ऑयल बनाया है। तो आपके एरिया में जो मौसम है यार, ऊपर आप जाके देख सकते हैं इंजन ऑयल वाली वीडियो, आप बहुत ही आसानी से बहुत ही इजीली समझ जाएंगे कौन सा ऑयल डालना चाहिए आपको अपने गाड़ी में। ऐसे हम बता दूँ आपको, अगर गर्मी का सीज़न है 20W40 डाल दीजिए और ठंडे का सीज़न है 10W30 डाल दीजिए, बहुत ही मक्खन रहेगी गाड़ी, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो पूछा है प्रवीण जी ने। हाउ गुड इज लिक्वी मॉली ऑयल? तो प्रवीण जी मैं बता दूँ कि लिक्वी मॉली ऑयल मैंने यूज़ तो किया नहीं, लेकिन काफ़ी नाम सुना हो यार, काफ़ी रिव्यूज़ पढ़े हैं इनके, बहुत ही अच्छा ऑयल होता है यार, मोटुल के बराबर लेवल का ऑयल होता है, लेकिन मुझे आज तक सबसे अच्छा मोटुल ही लगता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा है कृति जी का, वापस से सवाल है। माई 2013 होंडा एक्टिवा स्कूटी गिविंग 44.6 किलोमीटर पर लीटर माइलेज, इज इट अ गुड माइलेज? तो कृति जी आपको नहीं लगता है ये 44-45 किलोमीटर की आपकी स्कूटी एवरेज दे रही है तो ये अच्छा नहीं है यार? बहुत ही अच्छा माइलेज है, सच बता रहा हूँ। मैंने स्कूटी को देखा है, अच्छे अच्छे स्कूटी को 35-40 में दम तोड़ देते, काफ़ी अच्छा माइलेज है आपका। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ओह तो दोस्तों यहाँ पे हो चुके हैं हमारे सवाल ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों के जवाब मिल गए होंगे। और कुछ सवाल होगा तो दोस्तों कोई भी YouTube का वीडियो में आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, मैं अपने अगले Q&A के वीडियो में आपका
जवाब बिल्कुल भी दे दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम में मुझे डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब मैं इंस्टाग्राम में भी दूंगा और अपने अगले यूट्यूब के वीडियो में भी दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कुछ सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता रहता हूँ हमेशा कुछ ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड वीडियोस। तो फिलहाल के लिए चलता हूँ दोस्तों, मिलेंगे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।